Welcome, G. Welcome yet to yet another episode of EFCL Sports Roundup with Naeem Khani and the panel. अच्छी न्यूज बुरी न्यूज. अच्छी न्यूज ये है कि फाइनल होने जा रहा है एशिया कप का 17 तारीख को. बुरी न्यूज ये है कि उसमें पाकिस्तान नहीं है. अब पाकिस्तान क्यों नहीं है, इसकी क्या वजूहात है, ये हम अभी पैनल से बात करेंगे. लेकिन आज का जो गेम था पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त गेम हुआ. आखिरी बॉल तक गेम गया, लेकिन उसमें कुछ गलतियां नजर आई ओवरऑल, जो आज हमारे पैनलिस्ट हैं हम उनको ही उनकी निशानदेही करेंगे एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई हुआ क्या आज की गेम में. हम आसानी से गेम जीत सकते थे, हम अचानक ये जो है वो पांचा कैसे पलट गया. तो हमारे साथ आज है पैनल पे शाहिद भाई और हारून भाई. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम, कैसे हो अल्लाह सर? ठीक है? का शुक्र. तो शाहिद भाई से स्टार्ट करेंगे. शाहिद भाई, क्या हुआ सर, पाकिस्तान श्रीलंका आखिरी बॉल तक गेम गया, 6 बॉलों पे 8 रन चाहिए थे. जवान भाई को ओवर मिला जो उनका डेब्यू हुआ था और उन्होंने जो है वो ये बनवा दिए. क्या कहते हैं? मतलब उनको हम ब्लेम तो नहीं कर सकते. देखें, इस हद तक लाने में हमारी बाकी भी कुछ ऐसी मिस्टेक्स थी जो कि मेरे ख्याल में हम अवॉइड कर सकते थे. जो सबसे बड़ी मुझे मिस्टेक नजर आई, एक तो टीम सिलेक्शन मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आई. ऑल ऑफ अ सडन हमने हारिस को ले लिया जबकि हमारे पास सऊद शकील जैसा बैट्समैन वेटिंग कर रहा था और वो श्रीलंका में डबल सेंचुरी कर चुका है. दिस मीन्स ही इज इक्विप्ड विद दैट कंडीशंस. तो व्हाई वाज ही इज नॉट टेकन इन द साइड, टोटली मिस्ट्री. फखर जमान ने तो मेरे ख्याल में अब उनको दोबारा, मेरे ख्याल में हम ईओएससीएल में शायद अगर हम बुला लें तो ज्यादा अच्छा खेल लेंगे. इनकी मतलब टेक्निक, उनकी आप देखिए, उनका बल्ला ऊपर हवा से आता है बॉल को रोकने के लिए. मतलब वो पीछे से नहीं आ रहा होता, वो बल्ला ऊपर. इतनी उनकी इस वक्त खराब टेक्निक हुई हुई है, ही इज टोटली लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस उनके अंदर बिल्कुल. और मेरे नजर में, जहां तक मैं समझता हूँ क्रिकेट को, जब आपको ओपनिंग अच्छी मिलती है ना, तो दैट दैट मेक्स यू द बैटर्स कमिंग बिलो, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया था, फिर वो उसको कैरी ऑन करते हैं. जैसे रोहित शर्मा को हम देख रहे हैं, जैसे शुभमन गिल को हम देख रहे हैं कि वो इतनी अच्छी ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं कि फिर पीछे आने वाले बैट्समैनों के लिए बड़ी आसानी पैदा हो जाती है. हमारी बैड लक ये है कि हम मुसलसल स्ट्रगल कर रहे हैं विद आर ओपनर्स. मुझे समझ नहीं आती कि बाबर अगर अच्छा बैटिंग कर रहे हैं और रिजवान भी अच्छी खेल रहे हैं जैसे आज उन्होंने दिखाया, व्हाई आर दे नॉट ओपनिंग? उनको टॉप पे वो क्यों नहीं आ रहे, वो क्यों उस टाइम को आने दे रहे हैं जहाँ प्रेशर बहुत बढ़ जाता है? तो ये कुछ बातें थी. हारिस का मुझे समझ नहीं आया, ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने कुछ भी नहीं खेला है जब से वो मतलब एलपीएल से निकले हैं. इवन उन्होंने डोमेस्टिक तक नहीं खेला एंड ऑल ऑफ अ सडन ही इज बीन पुट इनटू अ सिचुएशन जहाँ बहुत प्रेशर गेम चल रही थी, बहुत मतलब खतरनाक टाइम चल रहा था उस वक्त पाकिस्तान की बैटिंग का. ही वॉज थ्रोन इन और वो युवा वो प्रेशर हैंडल नहीं कर सके एंड ही गेव अवे हिज विकेट. तो मेरे ख्याल में कुछ ऐसी गलतियां हैं. और प्लस जो मेरे ख्याल में बेस हमारा प्रॉब्लम है वो है ये कि हम विकेट को रीड नहीं कर पाते. आई डोंट नो ये क्यों ऐसा हो रहा है. इंडिया के खिलाफ बिल्कुल बैटिंग विकेट थी तो हमने बॉलिंग कर ली, यहाँ पे टोटली बॉलिंग विकेट थी तो हमने बैटिंग कर ली. तो मतलब हम बिल्कुल, आई डोंट नो इज इट अ पैनिक बटन और समथिंग दैट हैज बीन प्रेस्ड और समथिंग. हम बड़ी बेवकूफ और बड़ी जैसे कहें कि बहुत ही एमेचर किस्म की मिस्टेक्स कर रहे हैं. टीम हमारी अच्छी है, टीम में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स जस्ट हाउ वी कैरी ऑन विद दिस. और प्लस बाबर को थोड़ा सा अपनी कप्तानी भी ठीक करनी होगी. राइट टाइम पे उनको राइट बॉलर्स को लाना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि इट्स नॉट दैट इजी. आप अगर वर्ल्ड नंबर वन हो गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने दुनिया की मतलब सबसे बड़ी चोटी सर कर ली है. देयर स्टिल सो मोर टू डू. तो मेरे ख्याल में जहां तक मैं पॉइंट आउट करूं, दो तीन ऐसी खतरनाक मिस्टेक्स थी जिनकी वजह से हम आज मैच हारे. हैविंग सेड दैट, देयर इज नो पॉइंट टेकिंग अवे द ग्रेट क्रिकेट दैट श्रीलंका प्लेड. मेरे ख्याल में श्रीलंका ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, उन्होंने अपनी विकेट्स को सेव किया. जो पार्टनरशिप लगी बेहतरीन पार्टनरशिप थी, उस पार्टनरशिप ने पूरा मैच ही वन साइड कर दिया था एक मौके पे. तो मेरे ख्याल में दे प्लेड विद अ प्लान. हर प्लेयर के बारे में उनके पास एक प्लान था, एक सेट प्लान था जिसको उन्होंने फॉलो किया एंड दे वन द मैच. सो इन माई ओपिनियन दे डिजर्व टू बी द चैंपियंस. आई होप दे विल कैरी दिस ऑन टूवर्ड्स द फाइनल एंड माई बेस्ट ऑफ विशेस टू देम. गुड हारून भाई, एक तो आपकी प्रेडिक्शन एक बारी तो सही हो गई कि आपने कहा था श्रीलंका फाइनल में आए, राइट, लेकिन आपने इंडिया का नाम नहीं लिया था. तो इंडिया आधी प्रेडिक्शन तो हमारी वहां पे सही हो गई और आधी प्रेडिक्शन शायद भाई की सही है. आपने कहा था इंडिया आएगा फाइनल में, राइट. तो पाकिस्तान का फैक्टर हम निकाल लेते हैं यहाँ से. तो क्या लगा पाकिस्तान क्यों नहीं पहुंच पाया उस लेवल तक? क्या बैड लक थी शुरू से? हमने इंडिया को जो है वो 4-3 दफा बैटिंग दी, खुद एक दफा की,
इस तरह से कुछ आपको लग रहा है कि हमारा मोराल बहुत डाउन था, इस वजह से हम आगे पहुंच नहीं पाए? आज की गेम को कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक परफॉर्मेंस जो है वो टीम को उठा भी देता है और एक परफॉर्मेंस जो है वो टीम को गिरा भी देता है। आई थिंक जो पाकिस्तान की टीम ने जो जिस तरह से इंडिया के अगेंस्ट पहला मैच खेला बारिश में, जो वॉश आउट हो गया, आई थिंक दे गॉट कैरीड अवे कि यार हम इतनी अच्छी बैटिंग, लेट्स नॉट टेक अवे फॉर एनीथिंग फ्रॉम इंडिया, उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत जबरदस्त है। तो आई थिंक उनका थोड़ा सा दे गॉट कैरीड अवे कि यार हम जब इतनी जबरदस्त बैटिंग लाइन को हिला सकते हैं, हम नंबर वन है तो हम बहुत बड़ी कोई तोप चीज है, हम दूसरे में भी यही करेंगे। पर व्हेन दे केम वेंट बैक टू द सेकंड गेम, तो इंडिया हैड अ प्लान कि यार अब मैं हम आप ऐसे नहीं हमें उड़ाएंगे, हम आपको उड़ा देंगे। तो आई थिंक वो थोड़ा सा जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वहां से थोड़ा सा हिट हुआ पाकिस्तान का कि आप नंबर वन टीम है और आपने जो है वो ऑलमोस्ट 360 रन खा लिए, और फिर उसके बाद आप आधा स्कोर भी नहीं कर सके, आप 1/3 स्कोर भी आप नहीं कर सके। तो ये जो था ना एक बहुत बड़ा जो है वो कॉन्फिडेंस को आपको डेंट लगी। उसके बाद सही है आप इधर श्रीलंका में आए, ये एक तो ये मुझे ये मिकी आर्थर की मुझे ये नई मंतक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही कि टीम जो है वो 2 दिन पहले आप अनाउंस कर रहे हैं या 1 दिन पहले आप अनाउंस करते हैं। खुद वो गायब है, खुद वो चले गए, डायरेक्टर है और खुद वो चले गए डरवे शहर का कोच करने के लिए। वो एक्चुअली डरवे शहर का कोच है, उनको जबरदस्ती खींच के लाया गया कि आप डायरेक्टर बने इधर, या कोच ले लो, उन्होंने बोला नहीं भाई मैं कोच तो नहीं बनूंगा, आपके यहाँ कल गवर्नमेंट बदल गई तो मेरी नौकरी चली गई, तो मेरी वो कुर्सी भी गई ये भी गई, उन्होंने कहा मैं डायरेक्टर बनूंगा। तो वो ऑनलाइन जूम पर हमें जो है वो डायरेक्टर है हमारे, तो वो चले गए डरवे शहर वापस क्योंकि उधर सीजन शुरू हो रहा है, यहाँ पर हमारे कोच रहेगा। अब हुआ ये कि एक तो ये कि आपने जब आपने टीम अपनी आपने ऐलान कर दिया, ट्विटर पे वो टीम रखी हुई है एंड आई वाज एक्चुअली वेरी वेरी हैप्पी विद द टीम कि आपको लगा कि यार फखर जमान नहीं है और इमाम उल हक के साथ मोहम्मद हारिस ओपनर जा रहे हैं, राइट कॉम्बिनेशन, मोहम्मद हारिस प्लेयर ही T20 का और वो 10 ओवर को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लॉइट कर सकता था, एक बात। दूसरी बात ये कि बीच में आपने जो है वो सलमान अली आगा को निकाल के साउथ शकील को डाला हुआ था, विच इज ऑल्सो वेरी गुड, क्यों डाला हुआ था मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन सही है चले आप उनको ओडीआई का एक्सपोजर दे रहे हैं बेस्ड ऑन हिज टेस्ट परफॉर्मेंस, उन्होंने टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी मारी है, ओडीआई में उनका कोई खास एक्सपोजर नहीं, लेकिन चले खैर सही है, एक मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन होना बहुत जरूरी था। तो ये उनकी टीम थी, मोहम्मद हारिस ओपनर, इमाम उल हक, बाबर आजम रिजवान और साउथ शकील। आज 12 घंटे के बाद पूरी टीम ही चेंज है, इमाम उल हक ही नहीं है उस टीम में और उसमें फखर जमान खेल रहे हैं और जो है वो उनके साथ इमाम अब्दुल्ला अनफिट हो शफील खेल गए रहे थे, हैं। थे, थे। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, इमाम अनफिट हो गए थे मैच से अच्छा आधे घंटे पहले चले, मैच इमाम से। इमाम अनफिट हो गए थे, उसके बाद उन्होंने, आपके पास अब्दुल्ला शफीक है, अब्दुल्ला शफीक को भी उन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया, जैसे शाहिद भाई ने कहा कि हारिस जो है वो एक प्रॉपर T20 का प्लेयर, वो T20 खेलता हुआ है, आपने उसको शुरू के 10 ओवर में क्यों मौका दिया, क्यों मौका नहीं दिया, आपने उसको डाल दिया मिडिल ओवर में, वो बेचारे मिडिल ओवर में आया वो उसको खेल ही नहीं पा रहा सही तरह से, वो अपनी इनिंग्स ही सही तरह से बिल्ड नहीं कर पा रहा क्योंकि उसका जो नेचुरल स्ट्रेंथ गेम है वो हिटिंग है, वो कर ही नहीं पा रहा क्योंकि सारे प्लेयर बाउंड्री पर है, ना उसने अपना फेवरेट स्कूप शॉट खेला जो वो हमेशा खेलता रहता है, ना उसने पुल मारा, ना उसने कहीं मिड ऑफ या मिड ऑन पर उठा के फेंका, क्योंकि हर जगह प्लेयर खड़े हुए, फील्डर खड़े हुए, उसको डर है यार दुनिया मेरे पे डिपेंड कर रही है, कहीं मेरा हसन अली वाला हाल ना हो जाए कि यार उसने कैच छोड़ा तो उसको गालियां पड़नी थी, अब यहाँ पर मैं नाकाम हो गया तो मुझे गालियां पड़, बेचारा एक सिंपल सा कैच देकर वो आउट हो गया। तो कुछ मिसकैलकुलेशन थी। देखिए आई स्टिल बिलीव कि अब्दुल्ला शफीक को स्क्वाड में होना चाहिए, अब्दुल्ला शफीक इज अ मच फाइनर बैट्समैन, अगर आई थिंक अगर आप उनकी इनिंग्स उठा के देखें कोई सी भी जो उन्होंने PSL में खेली है, ही इज टेक्निकली साउंड बैट्समैन, मैं बार बार कहता हूँ, बाबर आजम के बाद वो बेहतरीन बैट्समैन है, बेहतरीन बाबर आजम के बाद बेहतरीन बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक, आपने उनको नहीं खिलाया, आप उनका एज ए मिडिल ऑर्डर आप उनको तैयार कर सकते थे, आप उनको और साउथ शकील को एज ए मिडिल ऑर्डर प्लेयर आप तैयार कर सकते थे, लेकिन आपने वो काम भी नहीं किया। तो अब आई थिंक इट्स आज जो है वो एक डिजर्विंग टीम विन किया है, डिजर्विंग टीम ने विन किया है, श्रीलंका बिल्कुल हैज प्लेड एन अमेजिंग क्रिकेट, रन अ बॉल उनको चेस करना था, उन्होंने टारगेट इतना इजी बनाया कि यार चलो सही, हम बाउंड्रीज नहीं आ रही, हम सिंगल डबल ले लेते हैं, एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि अगर आप उनके लास्ट 2 बॉलें देखें जो पाकिस्तान ने कराई है, आई मीन इससे ज्यादा अकल तो हमारे प्लेयर ASL के प्लेयर्स को होती है, उनको पता होता है कि यार हमें एक प्लेयर जो है वो अगर थर्ड मैन अमंदर बुला रहे तो हम कोशिश करें कि उसको सर्कल पर रखें ताकि वो इतना दूर तो हो कि अगर एज वगैरह लगे तो वो कैच तक पहुंच जाए, कैच तक नहीं पहुंच सके तो कम से कम बाउंड्री रोक ले, आपने उसको 5th स्लिप पर खड़ा कर रखा है शाहीन शाह आफरीदी को, जाहिर है बॉल एज लगी, बॉल चला गया आपके हाथ से, मैच निकल गया, उसके बाद उन्होंने आखिरी रन तो इतने प्यार से बनाया जैसे वो हम लोग गली में क्रिकेट खेलते हैं ना, हमने उधर कोई खाली जगह में बॉल फील्डर भी डाल नहीं दी, था वहां पे। मतलब
एक बॉल पे 2 रन चाहिए, इट्स अ डू और डाई सिचुएशन। आप क्या चाह रहे हैं कि वो टीम 1 रन ले ले और उसके बाद सुपर ओवर में मामला जाए? आपको चाहिए था सारे के सारे प्लेयर अंदर बुलाएं कि यार ऐसी की तैसी, आप या तो आप उठा के बाउंड्री मारें या तो हम आपको रन आउट करेंगे, भाग के दिखाओ। कोई एग्रेसिव माइंडसेट ही नहीं है कोई। आपने ये वो छोटी छोटी अकलें हैं कि जो हम यूएसएल में खेलते हैं तो वो एमेच्योर लोगों को इतनी अकल होती है कि यार हमें ये आके काम करना। तभी आई मीन आई डोंट नो, लोग यही कह रहे हैं कि बाबर आजम सीख रहे हैं, बाबर आजम सीख रहे हैं। 3 साल में उन्होंने नहीं सीखा, और हमारे यहाँ एक टीम जो है वो यूएससीएल में 2 साल में चैंपियन बन गई, वो इतना सीख रही। बिल्कुल तो बिल्कुल आई थिंक इट्स अ बिग बिग रियलिटी चेक। और ये जो हम लोग बोलते थे तीन ट्रियो शोएब अख्तर, वसीम अकरम, अकादमी, उसके बाद ये 3 ट्रियो मिल गए, इनको भी बेचारों को नजर लग गई, अब यही बोलना पड़ेगा। लेकिन खैर, आई थिंक दे नीड टू गेट बैक टू द टेबल, क्योंकि एशिया कप इसीलिए हुआ था कि यही सिचुएशन सिमिलर कंडीशंस आपको इंडिया में भी मिलेंगी। तो बिल्कुल अगर आपका यहाँ पर यह हाल है तो भाई अल्लाह ही या मालिक है। पे तो और इंडिया का क्राउड भी होगा, राइट? हाँ, वहां पर वो आपको इंडिया के ज्यादा क्राउड का अलग प्रेशर है, क्योंकि एग्रेसिव होगा वो एग्जैक्टली मुकाबले में. वहां पे बड़े बड़े स्टेडियम्स हैं, वहां पे नेशनल स्टेडियम या एमसीजी जैसे स्टेडियम नहीं, वहां पे बड़े बड़े स्टेडियम है, 1-1 लाख बंदा जो है वो मैच देखने के लिए आता है, और पाकिस्तान की सारी टिकट्स बिक चुकी है। तो इसका पाकिस्तानी तो इतने नहीं जाएंगे, जाहिर है मुझे तो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तानी इतने नहीं जाएंगे, तो मतलब मेजोरिटी इंडियंस मैच देखने आ रहे हैं। फॉर तो श्योर. हाँ अब आप हिसाब लगा लें, बिल्कुल बिल्कुल अब आप हिसाब लगा लें, बिल्कुल. तो मतलब शायद जितने भाई उनके स्टेडियम में लोग होते हैं उतने हमारे यहाँ एक शहर की आबादी एग्जैक्टली दैट्स ट्रू. और वही उसी तरह हम देखेंगे कि उनका क्राउड जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है उस पर. हम देख चुके हैं पहले. तो बिल्कुल। शायद भाई क्या देखते हैं, फाइनल किस तरफ जाता होगा? अगर हम परफॉर्मेंस को देखें तो मेरे ख्याल में इंडिया इस वक्त बहुत फेवरेट है, इनफैक्ट हॉट फेवरेट है. उनके जितने प्लेयर्स हैं सब परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशली जो उनका स्पिन अटैक है, दैट इंक्लूड्स कुलदीप यादव. कुलदीप यादव इज बॉलिंग वेरी नाइस. एक तो फ्लैट बॉल करते हैं बहुत ज्यादा, और दूसरा उनके पास पेस भी होती है थोड़ी सी स्पिन में, और वो स्किड करती है बॉल. तो ऐसी जब बॉल स्किड कर रही होती है तो उसको फेस करना बहुत मुश्किल होता है. मैं अगर आप मुझसे मांगेंगे तो आई विल पुट माई मनी ऑन इंडिया. रोहित शर्मा इज इन गुड टच, शुभमन गिल इज इन वेरी गुड टच. सारे उनके जितने प्लेयर हैं, कोहली ने 100 किया हुआ है, केएल राहुल ने 100 किया हुआ है, सो दे हैव पिक्ड अप एट द राइट टाइम. बहुत अच्छा उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है एंड दे आर वेरी हाईली मोटिवेटेड. और एक दफा वो श्रीलंका को हरा भी चुके हैं, तो दैट्स अनदर एडेड पॉइंट. हैविंग सेड दैट, आज जैसी जीत श्रीलंका को मिली, आई एम प्रीटी श्योर कि उनके अंदर एक बहुत ज्यादा मोटिवेशन आ गई होगी कि वी कैन डू इट. सो डोंट काउंट देम आउट. दे विल बी अ वेरी वेरी टफ कंपोनेंट अपोनेंट सॉरी. और उनका स्पेशली जो स्पिनर नया आया है, आई लव दिस गाय, विला लगे. उसने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, मुझे उसकी बॉलिंग बहुत पसंद आई. उसके पास स्पिन भी है, बहुत यंग लड़का है वो. वो स्पिन भी बहुत अच्छी कर रहा है, वो लूप भी बहुत अच्छी दे रहा है, और वो बैट्समैन को रीड बहुत अच्छा कर रहा है. तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग होगा उसकी फाइट रोहित शर्मा और केएल राहुल और कोहली के साथ. हाउ विल ही टैकल दोस्त? तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बट इफ यू आस्क मी, मैं अपने जो मेरी फेवरेट होगी वो इंडिया होगी फॉर द फाइनल. अरुण भाई क्या कहते हैं? या आई थिंक आई वुड एग्री विद दैट। आई थिंक इंडिया इज फेवरेट। हाँ, इवन दो उनका जो स्पिनर जो नया लड़का आया 19 ईयर का, उसने जो है वो ड्रीम 5 विकेट हॉल लिया, जिसमें विराट कोहली भी है, रोहित शर्मा भी है, शुभमन गिल भी है, केएल राहुल भी है। वो एक ड्रीम 5 विकेट हॉल है जो जो वो शायद कभी ना भूले। लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट, पाकिस्तान के बॉलर्स ने इंडिया को ऐसे ही हार्ड टाइम दिया था, एंड नेक्स्ट मैच दे केम बैक विद अ प्लान। सो आई एम 100% श्योर कि इंडिया इज गोना कम बैक विद अ प्लान। बट अगेन, लाइक शायद भाई सेड, लेट्स नॉट काउंट देम आउट। पाकिस्तान, यस, पाकिस्तान इज अ गुड टीम, इट इज अ नंबर वन टीम, और उन्होंने आज नंबर वन टीम को हराया, तो एक अलग कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हुआ होगा। हैविंग सेड दैट, प्रोवाइडेड द कंडीशंस, अब वो किस तरह का अपना स्क्वाड लेके उतरते हैं, क्या वो स्पिन डोमिनेट है, इट विल बी अ गुड बैटल विद ऑफ स्पिन, क्योंकि इंडिया भी स्पिन में बहुत अच्छा है और श्रीलंका भी स्पिन में बहुत अच्छा है। सो इट विल बी अ गुड बैटल आफ्टर द पावर प्ले। Good, good. So let's see who best team should win. मे द बेस्ट टीम और विन। हम जो है इंशाल्लाह इसके बाद एक अपना पूरा एनालिसिस एशिया कप का और फिर वर्ल्ड कप जो आने वाला है उसके बारे में फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में बात करेंगे. सो मीनवाइल थैंक इंशाल्लाह। यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस, एंड विल सी यू इंशाल्लाह इन द थैंक यू नेक्स्ट एपिसोड. सर. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम.